कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दुनिया भर से आने वाले लोग दिल्ली वालों के घरों में मेहमान बनकर रह सकेंगे। सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के सदस्य बने दिल्लीवासी अपने घरों को गेस्ट हाउस की तरह उपयोग में ला सकेंगे। ये कारोबारी गतिविधि की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे मकान मालिक घरेलू दरों पर ही बिजली पानी के बिल का भुगतान कर पाएंगे। एयर कंडीशन बेडरूम, कमरे में टीवी, इंटरनेट, लॉन्ड्री, 24 घंटे सिक्योरिटी और रिजर्व पार्किंग की सुविधा और 4-स्टार होटल जैसा ट्रीटमेंट महज 2500 रुपए में। इतना ही नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट भी साथ में। जी हां, बेड एंड ब्रेकफास्ट होम में आपको ये सब कुछ सस्ते में मिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दुनिया भर से आए विदेशी मेहमानों के लिए सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट होम्स प्रणाली को मंजूरी दे दी है। इससे विदेशी मेहमानों को हिंदुस्तानी घरों में रहने का मौका मिलेगा, जिससे वे लोग भारतीय जीवन शैली के बारे में नजदीकी से जान पाएंगे। is to be more personalized with the guests who come over here. I think if we are personalized with the guests, we A, make a friend, B, definitely the guest will come again to see our country. Whereas in a guest house, of course, all the facilities are there, but you don't get the personal touch which you can get with an Indian family staying over. विदेशियों को अपना मेहमान बनाने के लिए दिल्ली वाले खासे उत्साहित हैं। एनसीआर रीजन में अभी तक 94 घर बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। स्कीम को मिलने वाले रिस्पांस को देखते हुए सरकार ने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होम पर से लग्जरी टैक्स भी हटा लिया है। इतना ही नहीं, इसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तौर पर नहीं लिया जाएगा। इन घरों को मिलने वाली बिजली और पानी को भी घरेलू इस्तेमाल के लिए माना जाएगा। सस्ते B&B होम्स से विदेशों से आने वाले पर्यटकों के बजट टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लेवल के स्टैंडर्ड का, और हो सकता है कई जगह उससे बेटर आपको 50-60-70 डॉलर में मिल जाएगा। तो इससे जो मीडियम क्लास टूरिस्ट है या बजट टूरिस्ट है या लेजर टूरिस्ट है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा और आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का हम डट के मुकाबला कर सकते। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन अब इसे दिल्ली सरकार के हवाले कर दिया गया है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में आने वाले खिलाड़ियों और पर्यटकों को करीब 70,000 से 1,00,000 लोगों के लिए कमरों की जरूरत होगी। ऐसे में बेड एंड ब्रेकफास्ट होम्स सस्ते दामों में लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। विदेशों से आने वाले टूरिस्ट को अगर होम फील देना है तो बेड एंड ब्रेकफास्ट फैसिलिटी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। 2010 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर लोगों को भारतीय संस्कृति की झलक दिखानी है तो दिल्ली के लोगों को आगे आना होगा। असीम मनचंदा, सी बिजनेस, दिल्ली।